देखिए ऐसे लोगों पर गुस्सा मत कीजिए, दया कीजिए उन लोगों पर। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं, ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये सारे मिलकर के कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। अलग अलग सोच वाली और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां भी आज एकजुट होकर दिखावा कर रही है, नाटक कर रही है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? मुझे लगता है आपको भारी गुस्सा है ऐसे लोगों पर। देखिए ऐसे लोगों पर गुस्सा मत कीजिए, दया कीजिए उन लोगों पर। अच्छा आपको याद होगा, जरा मैं पुरानी बात याद कराता हूं। हमने 2014 का चुनाव देखा है और 2019 का भी चुनाव देखा है ना, याद है ना? 2014 के हालात क्या थे याद है ना, 2019 के हाल क्या थे वो याद है ना? भाजपा के जो घोर विरोधी दल है, 2014 हो या 19, वो कितने ही घोर विरोधी थे, लेकिन उन दोनों चुनावों में हमने देखा कि इतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पीकर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये विपक्षी दलों की इन हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। चौबीस में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं, इसलिए इन्होंने तय किया है कि चुनाव से कुछ महीने पहले किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके, कुछ लोगों को बरगलाकर, झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की जाए। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल
किस चीज की गारंटी है जानना चाहिए ना भाई। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो।